इस दुनिया में हमें भांति भांति प्रकार के जीव जंतु देखने को मिल जाते हैं। जहां कुछ जीव जंतु अपने चंचल स्वभाव के लिए फेमस हैं, तो कुछ का खतरनाक रवैया उसकी पहचान बना हुआ है। कुछ बड़े ही प्यारे दिखाई देते हैं, तो कुछ को देखते ही हमें भी डर लगने लगता है। इन सभी के बीच एक जीव ऐसा भी है जो अपने छोटे शरीर लेकिन मेहनती फितरत के लिए जाना जाता है। शायद आप ये बात समझ ही गए होंगे कि हम चींटी के बारे में बात कर रहे हैं। चींटी भले ही दिखने में छोटी ही होती है, लेकिन ये इतनी मेहनती होती है कि हमेशा यहाँ से वहाँ खाने से लेकर दूसरी चीजों की तलाश में भटकती रहती है। यहाँ तक कि आपने भी अगर कभी ध्यान दिया होगा तो ये चींटियाँ एक जगह पर बहुत ही कम रुकी हुई दिखाई देती हैं। हाँ, अगर खाना खा रही हो या अपने पार्टनर के साथ कुछ रोमांटिक पलों को जी रही हो तो बात अलग है, वरना आप चाहे इनके सामने कोई बड़ा पत्थर भी रख दें तो या तो ये उसके सामने से घूमकर आगे निकल जाएंगी या फिर उस पर चढ़कर निकल जाएंगी, लेकिन रुकेंगी नहीं। वैसे तो हम सभी ने इन चींटियों को काफी करीब से देखा है और इनकी फितरत से भी काफी अच्छे से वाकिफ हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि जितना हम जानते हैं वो तो बहुत ही कम है, क्योंकि इन चींटियों के बारे में ऐसी कई बातें हैं जिनसे अब तक हम और आप अनजान हैं, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, अक्सर ही आपने गौर किया होगा कि हम काली, लाल या पंख वाली चींटियों के समूह को अक्सर ही अपने घरों के आसपास या पेड़ों के पास देखते हैं। लेकिन इनकी दुनिया केवल इतने तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में चींटियों की 1000 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कुछ चींटियां जहां बेहद शांत स्वभाव की होती हैं और अपने काम से काम रखना पसंद करती हैं, तो वहीं कुछ चींटियां इतनी खतरनाक हैं कि इनका एक डंक भी आपको असहनीय दर्द दे सकता है। खैर, चींटियों की ये दुनिया तो काफी विशाल है और थोड़े से समय में इन सभी के बारे में बताया भी नहीं जा सकता। ऐसे में आज हम आपको एक बेहद ही खास चींटी से मिलवाने वाले हैं। इसे देखकर काफी लोग चौंक भी जाते हैं, जबकि कुछ तो यकीन भी नहीं कर पाते कि एक चींटी भी ऐसा कर सकती है। दरअसल हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इसे हनी स्पॉट एंट्स या हनी एंट्स के नाम से जाना जाता है, और इसकी खासियत ये है कि ये अपने शरीर में शहद को इकट्ठा करती है। शायद आपको भी ये बात थोड़ी सी अजीब लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये चींटी मधुमक्खियों की तरह ही फूलों का रस इकट्ठा करती है, लेकिन इसका अपने रस को रखने का तरीका बेहद ही दिलचस्प होता है, क्योंकि जहां मधुमक्खियां रस को ले जाकर एक छत्ते में उसे स्टोर करती हैं, तो वहीं हनी एंट्स इस रस को अपने पेट में स्टोर करती हैं। ये जितना भी रस चूसती हैं वो इनके पेट में इकट्ठा होकर शहद में बदल जाता है। जैसे जैसे ये चींटियां रस को इकट्ठा करती हैं, वैसे ही इनके पेट की साइज भी बढ़ने लग जाती है। एक समय तो ऐसा भी आता है जब ये चींटियां काफी शहद इकट्ठा कर लेती है और इनका पेट इतना अधिक बढ़ जाता है कि इन्हें चलने में तकलीफ होने लगती है। यही नहीं, अपने पेट के सामने इन चींटियों का पूरा शरीर भी छोटा नजर आने लगता है। ऐसे समय में ये चींटियां किसी दीवार या परत के पास चली जाती है और वहां जाकर लटक जाती है। अब आपके भी मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये शहद को इकट्ठा क्यों करती है। तो इसका एक बेहद सीधा सा जवाब है कि अपने पूरे ग्रुप या कॉलोनी के खाने का जिम्मा इन्हीं चींटियों के नाजुक कंधों पर होता है। जब कभी इनकी कॉलोनी के सदस्यों को खाने की जरूरत होती है तो वे इस हनी एंट्स के पास आकर इसके पेट से इस मीठे शहद को खा लेती हैं और अपना जीवन गुजारती हैं। हालांकि एक चींटी के पास भोजन होने का ये मतलब भी नहीं होता कि बाकी की चींटियां पूरी तरह से इस अकेली पर ही निर्भर होती हैं। वे आमतौर पर तो अपने खाने का इंतजाम खुद ही कर लेती हैं, लेकिन जब ऐसा वक्त आ जाता है जब दूसरी चींटियों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, तभी वे हनी एंट्स के पास मौजूद शहद को खाती हैं। वहीं दूसरी तरफ इन चींटियों का काम अपने ग्रुप के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना और साथ में रास्ते में आने वाले खाने को अपने पेट में जमा करते रहना है। इनका पेट जब पूरी तरह से भर जाता है तो किसी मोती की तरह लगने लगता है, और जब कई हनी एंट्स एक साथ किसी दीवार या परत के साथ में चिपकी हुई होती है तो इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मोतियों की लड़ी हो। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन जहां एक चींटी के पूरे शरीर का वजन केवल कुछ मिलीग्राम तक ही होता है, तो वहीं इस शहद का वजन ही कई बार 1 ग्राम तक पहुंच जाता है। यानी अगर देखा जाए तो ये चींटियां अपने वजन से भी कई गुना ज्यादा वजन कैरी कर लेती हैं, जो अपने आप में ही एक बड़ी बात है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अपनी कॉलोनी के लिए हनी एंट्स का होना बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि कई ऐसी जगह है जहां
जहां पर खाने के लिए कुछ नहीं मिल पाता, वहां भी हानी एंट्स के होने से चींटियां जिंदा रह लेती हैं। इन चींटियों का शहद जहां एक तरफ अपनी साथी चींटियों के लिए स्वाद से भरा होता है, तो वहीं जंगलों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस शहद को खाना पसंद करते हैं। कहा जाता है कि चींटियों का ये शहद भी मीठा होता है और खाने में काफी स्वादिष्ट लगता है। वहीं कुछ रिसर्च का तो ये भी कहना है कि चाहे मधुमक्खी हो या फिर चींटी, इन दोनों के ही शहद में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो डायबिटीज के मरीजों के लिए भी काफी अच्छे साबित होते हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर ये सच है तो काफी अच्छी बात है। आपको बता दें कि इन हानी एंट्स का साइंटिफिक नेम कैंपोनोटस इन्फ्लेटस है, जिन्हें अपने इस शहद इकट्ठा करने वाले गुण के चलते काफी पॉपुलैरिटी भी मिली हुई है। ये कितनी प्रसिद्ध हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि इन चींटियों को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जा चुकी है। इस डॉक्यूमेंट्री को साल 1990 में डेविड एटनबोरो ने बनाया था और इसे ट्रायल्स ऑफ लाइफ नाम दिया गया था। इस दौरान जब विशेषज्ञों ने इन चींटियों के शहद को देखा तो ये आम शहद के मुकाबले थोड़ा पतला था, जबकि इसका स्वाद भी नॉर्मल शहद की बजाय थोड़ा अलग होता है। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने इसके स्वाद को मीठा बताया, तो कुछ ने इसे कड़वा और कुछ ने खट्टा मीठा भी बताया। वैसे अगर गौर किया जाए तो इस शहद का स्वाद ऐसा होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो पूरी तरह से उस चींटी पर ही निर्भर करता है कि उसने क्या खाया है। क्योंकि मान लीजिए कि उसने किसी कड़वे फूल का रस चूसा हो तो भला आपको मीठा स्वाद कैसे ही आ सकता है। हालांकि ये केवल चींटियों में ही नहीं देखने को मिलता है, बल्कि कई बार मधुमक्खियों में भी देखा जाता है। जी हाँ, शायद आपने इस बारे में नहीं सुना हो, लेकिन कुछ समय पहले फ्रांस में पाए जाने वाली मधुमक्खियों के शहद में कई अलग अलग कलर्स आने लग गए थे, जिसे देखकर हर कोई हैरान भी रह गया था। लेकिन जब इस बारे में रिसर्च की गई तो इसकी हकीकत सामने आई कि इस शहद को बनाने वाली मधुमक्खियां फूलों की बजाय अलग अलग कलर्स की कैंडी को चूस रही है और इसका असर उनके शहद के रंग पर भी देखने को मिल रहा है। ठीक उसी तरह चींटियों पर भी ये बात लागू होती है कि वे जिस चीज का सेवन करती हैं उसका असर उनके बनाए शहद पर भी देखने को मिल ही जाता है। वैसे इन सब बातों के बीच में क्या आपने ये सोचा कि आखिर इन चींटियों को खाना इकट्ठा करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि ये तो काफी मेहनती होती है और अपने खाने की तलाश में दूर दूर तक जाने में भी परहेज नहीं करती, तो आपको इसके पीछे की वजह भी बता देते हैं। लेकिन इससे पहले जरा ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये चींटियां रहती कहाँ हैं। दरअसल चींटियों की बड़ी सी दुनिया में एक खास हिस्सा रखने वाली ये हानियंस केवल ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मेक्सिको और अफ्रीका के कुछ इलाकों में पाई जाती हैं, और यहाँ भी इन्हें इतनी आसानी से देख पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये अमूमन अंडरग्राउंड ही रहना पसंद करती हैं। ऐसा करना ना केवल इनके लिए बल्कि इनके शहद और पूरी कॉलोनी के लिए भी काफी जरूरी होता है। इन चींटियों को अक्सर ही कुछ फीट की गहराई वाली जगह पर देखा जाता है, क्योंकि यहाँ धूप नहीं पहुँच पाती और इन्हें काफी ठंडक मिल जाती है। ये ठंडक इनके भोजन को लंबे समय तक खराब होने से बचाती है, और इसके चलते ही अगर इनके सामने खाने की कोई मुसीबत आ जाए तो सभी चींटियां मिलकर इस भोजन को खा लेती हैं। दोस्तों, हमने ये तो जान और समझ लिया है कि ये हनी एंट्स अपनी पूरी कॉलोनी या ग्रुप के लिए कितनी जरूरी होती हैं और अपने पीठ पर इतना वजन उठाने जैसा कितना मुश्किल काम करती हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इनकी कॉलोनी की दूसरी चींटियों के पास कोई काम नहीं होता। दरअसल जानवरों की दुनिया भी कई नियमों पर काम करती है। यही नहीं, जब इन नियमों को कोई तोड़ता है तो उसे जानवर अपनी कॉलोनी से बाहर भी कर देते हैं। ठीक ऐसा ही इन चींटियों के साथ भी देखने को मिलता है। इनकी कॉलोनी में हानी एंट्स एक वर्कर एंट का किरदार निभाती हैं और अपनी पूरी कॉलोनी के लिए शहद इकट्ठा करती हैं। तो वहीं इनके ग्रुप की दूसरी चींटियों के पास भी अन्य काम होते हैं। जैसे इनमें कुछ चींटियों का काम सबके लिए खाना लाना होता है, तो कुछ चींटियां सफाई के काम में माहिर होती हैं। यही नहीं, इनकी कॉलोनी में काम करवाने वाले मैनेजर से लेकर क्वीन तक होती हैं, जो सबको काम बताते हैं। यानी हमारे ऑफिसर्स की तरह ही चींटियां भी पूरी ईमानदारी से काम करती हैं, वरना इन्हें भी जॉब से निकाले जाने का डर बना रहता है। खैर, अब तक तो आप भी इन शहद बनाने वाली चींटियों के बारे में काफी बातें जान चुके हैं, और अब तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि शहद केवल मधुमक्खियों के द्वारा ही नहीं बनाया जाता। यानी हानी एंट्स को देखने के बाद ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि अब शहद बनाने की होड़ में ये भी शामिल हो गई है।
वैसे आपको इन शहद बनाने वाले चींटियों की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं और आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो जल्द ही आपसे मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।